फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम इन विच वी विल टॉक अबाउट अरबाज खान एंड मलाइका अरोड़ा। एज यू ऑल नो, करीब 2.5 साल पहले मलाइका और अरबाज ने एक दूजे से अलग होने का फैसला कर लिया। इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। 5 साल तक डेट करने के बाद मलाइका अरबाज ने शादी की। एक लंबे समय तक एक दूजे का हाथ थाम कर रखा। अपनी केमिस्ट्री से, अंडरस्टैंडिंग से ये कपल बी टाउन का पावर कपल बन गया। मगर अंत में इस प्यारे से जोड़े ने तलाक की दहलीज पर जाकर दम तोड़ दिया। मलाइका और अरबाज जब एक दूजे से अलग हुए, इन्हें देखकर लोगों ने कहा ये जोड़ी भला कैसे टूट सकती है। बट ये दोनों कहते हैं डाइवोर्स लेना हम दोनों के लिए सबसे बेहतरीन रहा। अब इन सब के बीच में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अरबाज खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अरबाज खान ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है कि आखिर मलाइका से बेटे अरहान का कस्टडी केस उन्होंने क्यों नहीं लड़ा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अरबाज खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर अरबाज की कस्टडी, यहां जो अरहान की कस्टडी थी बेटे, वो इतनी आसानी से मलाइका को क्यों दे दी गई। बता दें आपको अरबाज ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। साथ ही मलाइका अरबाज के ब्रोकन मैरिज की एक जर्नी पर आपको लेकर जाएंगे, जहां अब तक ये दोनों कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, जॉर्जिया के साथ अरबाज और अर्जुन के साथ मलाइका लाइफ में कैसे मूव ऑन कर चुके हैं, एक दूजे संग रिश्ते को लेकर क्या कहते हैं और बेटे अरहान को लेकर इन दोनों की सोच क्या है, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच, कैसा रिलेशन, कैसा बॉन्ड, कैसी इक्वेशन, ये शेयर करते हैं। देखिए जरा, 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान को एक दूजे से राहें जुदा किए। 2 साल हो चुके हैं मलाइका और अरबाज के तलाक को, लेकिन 2 साल बाद भी लोग इन्हें लेकर काफी कुछ जानना चाहते हैं। इनकी टूटी हुई शादी से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में आते हैं। खास बात यह है कि मलाइका और अरबाज एक दूजे की टूटी हुई शादी पर बात करने से कतराते नहीं हैं। आज भी अगर मलाइका अरबाज से इनके रिश्ते को लेकर सवाल किया जाता है, दोनों ग्रेसफुली उन सवालों का जवाब देते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। खास बात यह है कि अरबाज खान ने पहली बार बताया है कि एक बेटा होने के बाद मलाइका से तलाक लेना उनके लिए कितना मुश्किल था। इंटरव्यू हुआ रिसेंटली अरबाज खान का और इस इंटरव्यू में अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से तलाक के बारे में बात करते हुए कहा, जब आपका बच्चा होता है तो इस तरह के जरूरी फैसले लेना काफी मुश्किल हो जाता है। एक समय ऐसा आ गया था जहां इस तरह समीकरण को जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत थी, जो एकमात्र तरीका था। अरबाज ने कहा कि मेरा बेटा अरहान उस वक्त केवल 12 साल का था। वो चीजों को अच्छी तरह से समझता था। अरहान जानता था कि उसके मम्मी पापा के बीच क्या चल रहा है। उसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरबाज ने कहा कि मलाइका और उनके बीच अरहान की कस्टडी को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और जब यही सवाल अरबाज से किया गया तो अरबाज ने कहा, मलाइका को बेटे की कस्टडी दे दी गई, मैं हमेशा बेटे के साथ हूं। मलाइका को बेटे की कस्टडी मिली इसके लिए मैंने लड़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे लगा बच्चा छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। बहुत जल्द मेरा बेटा अरहान 18 साल का हो जाएगा और अपनी मर्जी से वो फैसला करेगा कि उसे किसके साथ रहना है। अरहान एक बहुत प्यारा बच्चा है। अरबाज खान आगे कहते हैं, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, मेरे लिए ये मूर्खतापूर्ण होगा कि मैं इसे स्वीकार ना करूं। अरबाज खान से इसके बाद सवाल किया गया उनकी शादी को लेकर। जॉर्जिया को वो डेट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, जहां तक मेरी शादी का सवाल है, जब होगी सबको इनविटेशन मिलेगा या मैं खुद इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। मुझे लगता है कि लोगों को यह जानने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। बता दें आपको, मलाइका और अरबाज इन दोनों का रिश्ता
सबके लिए एक मिसाल था। बहुत खूबसूरती के साथ ये रिश्ता नजर आया, बहुत खूबसूरती के साथ ये शादी नजर आई। पावर कपल इन दोनों को कहा जाता था, लेकिन अचानक से इस पावर कपल को नजर लग गई मलाइका अरबाज के बीच खटपट होने लगी। सलमान खान से लेकर सलीम खान तक, मलाइका अरोड़ा के पेरेंट्स तक ने मलाइका अरबाज दोनों को समझाया कि तलाक ना ले, लेकिन इन दोनों ने एक दूजे से राहें जुदा करना ही सही समझा और एक दूजे से डाइवोर्स लेने के बाद देखा जाए तो आज ये दोनों और भी ज्यादा खास तरीके से एक दूजे का सम्मान करते हैं, जो अपने आप में सबसे ज्यादा खास है। जहां तक बात की जाए मलाइका और अरबाज की, तो अरबाज हमेशा से बताते रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा बेटा है और उसके लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा अपने मम्मी पापा को अलग होते देखना। मेरे बेटे को सही सलाह और देखभाल की जरूरत है। अगर मैं अपने परिवार में उचित शिष्टाचार बनाकर रखता हूं तो मेरे बेटे को हमेशा बेहतर माहौल मिलेगा। मलाइका के साथ अरबाज के रिश्ते आज की तारीख में कैसे हैं, इस सवाल का जवाब भी अरबाज खान ने दिया है। अरबाज ने कहा, मेरे मलाइका और मलाइका के परिवार के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं, ये आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे क्योंकि मेरा बेटा मेरी प्रायोरिटी है और उसे बेहतर माहौल देने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं मलाइका अरोड़ा की अगर बात करें तो मलाइका भी ग्रेसफुली अरबाज संग तलाक पर जवाब देती है। एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की मुन्नी ने कहा, अरबाज मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे बच्चे के पिता हैं, कुछ रिश्ते रातों रात नहीं बदले जाते, हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए, ये बेहद प्राइवेट मामला है और हम किसी को कुछ भी साबित नहीं करना चाहते। अरबाज से मिलकर मेरा बेटा अरहान बहुत खुश होता है और बेटे को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। मेरी बहन अमृता के लिए अरबाज एक भाई जैसे हैं, मेरे पेरेंट्स के लिए अरबाज बेटे जैसे हैं। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो हमारे बीच हुआ। बता दें आपको, मलाइका ने अरबाज खान संग तलाक के अपने फैसले को हमेशा सही बताया है। मलाइका कहती हैं कि मैंने एक ऐसा ऑप्शन चुना है जिस पर मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं किसी तरह के दबाव में नहीं थी और मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे हमेशा मूव ऑन करने की आजादी मिली है। मलाइका कहती हैं, हर कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है या फिर प्यार करना चाहता है, कोई भी अपनी जिंदगी में अकेले नहीं रहना चाहता, भले ही किसी ने मुझे कुछ भी बोला हो। मुझे खुशी है कि अरबाज संग तलाक का फैसला मैंने अपनी पसंद से लिया। और मलाइका, जिस तरह अरबाज खान जॉर्जिया संग डेटिंग को लेकर खुलेआम बातें करते हैं, मलाइका भी अर्जुन कपूर संग डेटिंग को लेकर खुलेआम बातें करती है। जिस तरह अरबाज मलाइका के साथ तलाक के बाद अपनी जिंदगी में जॉर्जिया को ला चुके हैं, मलाइका अरोड़ा का लिंकअप भी अर्जुन कपूर के साथ किया जाता रहा है। जिस तरह से अरबाज जॉर्जिया के साथ अपनी लाइफ में खुश हैं, उसी तरह से अर्जुन कपूर के साथ मलाइका भी काफी ज्यादा खुश हैं। बता दें आपको, अरबाज मलाइका अर्जुन कपूर और जॉर्जिया, इन चारों को लेकर आए दिन खबर आती है और इन खबरों के बीच मलाइका कहती हैं कि मैं डेटिंग को बुरा नहीं मानती। अरबाज जॉर्जिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, शादी जब करेंगे बता देंगे। और मलाइका अरोड़ा भी अर्जुन कपूर के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। मलाइका भी लोगों को इस बात का आश्वासन दे चुकी हैं, मलाइका भी लोगों के सामने खुलेआम ये कह चुकी हैं कि शादी वो भी करेंगी और शादी को लेकर वो सपने भी सजा चुकी हैं, खुलेआम बातें बता चुकी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है और इन सबके बीच में फैंस हमेशा बेताब रहते हैं इनसे जुड़ी बातें जानने के लिए और ये बातें ये सब अब करने लगे हैं। तो देखा आपने, अरबाज और मलाइका का रिश्ता टूट चुका है, लेकिन अरबाज जब अरहान के साथ होते हैं बहुत खुश दोनों होते हैं, उन्हें खुश देखकर मलाइका बहुत खुश होती है। अमृता के साथ अरबाज का भाई बहन जैसा रिलेशन है, मलाइका के पेरेंट्स के साथ बेटे जैसा बर्ताव अरबाज करते हैं।
तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इन दोनों का रिश्ता टूट गया है, लेकिन इनका रिश्ता जुड़ने के बाद जो रिश्ते आपस में जुड़े थे वो आज भी वैसे ही हैं। सो गाइज, इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, सब्सक्राइब टू अस, स्टे ट्यून टू अस एंड स्टे अपडेटेड।